बसंती देवी, एक नाम जो हर्षिल घाटी में गुमनाम है, पर उसके संघर्ष की मिसाल देते ग्रामीण नहीं थकते। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र निवासी बसंती हर्षिल की ग्राम प्रधान भी हैं। 1995 में जब वन विभाग के ठेकेदारों ने देवदार के सूखे पेड़ों की आड़ में 5000 से अधिक पेड़ काट डाले थे, माफियाओं के इस जंगल के खिलाफ जब सब चुप थे, तब बसंती देवी ने विरोध की कमान संभाली और एक भी पेड़ हर्षिल से आगे नहीं जाने दिया। 1999 तक बसंती देवी गांव की महिलाओं के साथ वनों के अवैध कटान के खिलाफ संघर्ष करती रहीं। हमने सबसे पहले तो मद निषेध पे किया, क्योंकि यहाँ अति थी चकनौर में, और न पुलिस का सहयोग है न कुछ है। उस पर आंदोलन किया तो वहाँ भी माँ के कृपा से जो है हम सफल बनी। उसके बाद जो है ये जंगल के अवैध कटान जो है ये वन विभाग द्वारा हुआ। पूरे भारत में यह पहला मौका रहा होगा जब बसंती देवी के इस संघर्ष के बाद माफियाओं से साठगांठ के आरोप में 2 DFO समेत उत्तरकाशी वन प्रभाग और वन निगम के 140 लोग सस्पेंड कर दिए गए। बसंती देवी ने जब संघर्ष किया तो वन विभाग ने उस समय झूठे मुकदमे में फंसा दिया। बसंती देवी को कई बार वन विभाग के अधिकारियों ने मोटे प्रलोभन तक देने की कोशिश की, लेकिन बसंती देवी ने इन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। अब वन विभाग अगर उनका फैल नहीं देता तो माफिया कैसे घुसता? तो ये सारे तो वन विभाग का ही कमी है। तो उन्होंने जो है अवैध कटान किया, फिर उन्होंने हमारे आवाज उठाने के कारण से जो हमको दबाने के लिए उन्होंने झूठा मुकदमा हम पे लगाया कि नहीं ये जो है हमारे अफसर पे झिपटे, ऐसा किया वैसे के ऐसे झूठे मुकदमे में हमको वहाँ फंसाया। बसंती आज पूरे हर्षिल वासियों की सबसे चहेती है। बसंती के संघर्ष की गाथा का बखान करते हर्षिलवासी नहीं थकते। जुझारू जैसे कि महिला है, इसलिए जो है जंगल को बचाने के लिए भी जो है अपने जो है मेहनत की। सरकारों की ओर से बड़े बड़े पर्यावरणविदों को सम्मानित किया जाता है, पर हर्षिल घाटी को बसाने वाली बसंती आज भी सरकार की नजरों से कोसों दूर है। आयरन लेडी बसंती शराब और वन माफियाओं से लड़ते लड़ते जिंदगी के अनुभवों से तपकर कुंदन बन गई, पर आज तक उन्हें सरकार और देश की ओर से वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार हैं। राजीव नौटियाल, उत्तरकाशी, APN।